हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर। बच्चों, हम लोगों ने 12 स्टैंडर्ड चालू कर दिया है और काफी सारे टॉपिक्स कवर अप होते चल रहे हैं। अब हम लोगों को आज कवर करना है वेव ऑप्टिक्स। 7 चैप्टर है और 7 चैप्टर में आज हम लोग पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा, इंट्रोडक्शन है तो ज्यादा ध्यान देके सुनना। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगी, इंट्रोडक्शन होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगी। कल से हम लोग इसमें फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे बेटा, तो उसकी जो डिटेलिंग्स होंगी वहां पे चलेंगे। लेकिन उसके लिए जो सारी चीजें जरूरी हो जाती है, जिसको समझना जरूरी हो जाता है, वो है बेटा क्या चीज, कि वो है हमारे लिए बेसिक्स ऑफ द टॉपिक। तो आज बेसिक्स ऑफ द टॉपिक होने वाले। उसमें सबसे पहले बेटा हम लोगों को जो हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में, उसके पहले 8th स्टैंडर्ड में कुछ चीजों को पढ़ा था, उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी, वो चीजें बहुत जरूरी। हम लोग वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स सेक्शन ब्रांच फिजिक्स की वो ऐसी ब्रांच है कि जो लाइट से कनेक्टेड है, राइट। और लाइट से कनेक्ट अगर हम लोग हो चुके हैं तो हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। सो अभी हम लोग सबसे पहले लाइट के बारे में जो जो जानते हैं ना, जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो बेसिक है वो पता होनी चाहिए। आज तक मैंने तो बेटा पढ़ा था कि लाइट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी बेटा, तो इतना ये आसान चीज है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज ओके। मैंने ये भी पढ़ा था कि इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये कैसा बेटा ट्रेवल करता है, ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन वाला है। ये भी मैंने पढ़ा था अब तक। जो जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ये तो हो गया बेटा, लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसा भी कहा था, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये मैंने 10th स्टैंडर्ड के टाइम पे पढ़ा था, लेकिन इसके बारे में थ्योरीज अभी हम लोगों को पढ़नी बाकी है। आज तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। सो लाइट क्या करता है, सेंसेशन ऑफ विजन क्रिएट करता है। लाइट क्या करता है बेटा, सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस कर देता है, अगर कहीं पे वो हमारी आंखों के अंदर चला जाएगा तो। ये हम लोगों ने देखा था। अब इसके बाद में हम लोगों ने बेटा कुछ और भी फेनोमेना देखे के, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि लाइट जो है ना वो रिफ्लेक्ट भी करती है, रिफ्रैक्ट भी करती है। बाद वाले फेनोमेना आज इसी टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये कई सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। लेकिन हमारे लिए जो फिलहाल जरूरी चीज है वो क्या है बेटा, कि अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या है। सो दैट इज अ रिफ्लेक्शन। सो राइट क्या होती है बेटा, रिफ्लेक्ट होती है। क्या आपको पता है रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉज है? सबसे पहला देखो बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सारे के सारे दे ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में होते हैं, पहला लॉ था। दूसरा लॉ ये था बेटा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों के दोनों अपोजिट साइड में होते हैं, दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल रे। तीसरा लॉ ये था बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस वॉज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आप लोगों ने देखा है और उसके लिए ये डायग्राम थी बेटा। देखो ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना बेटा, ये हो गया उसको नॉर्मल, ये हो गया बेटा इंसिडेंट रे, और ये हो गया बेटा रिफ्लेक्टेड रे। लॉ सारे के सारे करेक्ट होने चाहिए, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में, ओके। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के दो साइड में बराबर है, अपोजिट साइड में, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल के साथ बनता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी नॉर्मल के साथ बनता है वो दोनों सेम है। ये लॉ था हम लोगों ने आज तक पढ़ा हुआ, ठीक है बेटा। ये रिवाइज हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा दूसरे फेनोमेना की ओर, और दूसरा फेनोमेना जो है वो लाइट हमेशा परफॉर्म करता है वो क्या है बेटा, रिफ्रैक्शन। क्या है बेटा, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो होता ही है लाइट में, लेकिन साथ साथ में लाइट में रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। अब ये रिफ्रैक्शन क्या होता है उसको मैं पहले बता देता हूं। Whenever the light travels from one transparent medium, reflection होता है bouncing back of the light into the same medium. लेकिन refraction थोड़ा सा अलग phenomena है. In refraction what happens, light travels from the one transparent medium into the another transparent medium. और उस दौरान, in that way, इसके दौरान उसकी direction change हो जाती है. And there is a change in the direction. This change in the direction, this phenomena of change in the direction of the light rays, when they travel from one transparent medium to the another transparent medium is called refraction. अब क्या आप लोगों को refraction के basic laws पता है? Same, ये law तो वही है, incident ray, refracted ray and normal, ये सारे के सारे same plane में रहते हैं, so they lie in a same plane, okay बेटा, पहला law वही है। लेकिन जो दूसरा law है ना, वो बहुत जरूरी है। और दूसरा law क्या बेटा? Sin I upon sin R, ये होता है बेटा refractive index. ओके,
अगर मैं इसको थोड़ा सा ढंग से लिखने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा और गौर से देखूंगा मैं इसको, तो इधर देखो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको देख रहा हूं। सो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू इंटू साइन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो समझ जाओगे। ये है लॉ आपका, ये बेसिक लॉज है बेटा। इस लॉ को क्या कहते हैं पता है आपको, इसका नाम क्या है? इसको कहते हैं बेटा स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं? स्नेल्स का लॉ। तो अब देखो बेटा, यहां पे हम लोगों ने बेसिक्स की शुरुआत कर दी है। लाइट ये एक एनर्जी है, और लाइट ये जो एनर्जी वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, और ऐसी कई सारी चीजें हम लोगों को जो पता है, वो सेंसेशन ऑफ विजन वगैरह क्रिएट करती है, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बेटा, और फिर आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं क्या नया सा एक कोई तो पार्ट, ठीक है। सो अब जो नया पार्ट है जिसको हम लोगों को देखने का है कि सच में लाइट क्या ये एक वेव ही है कि कुछ और है, देखते हैं। सो हम लोग इसके बारे में क्या पढ़ेंगे बेटा, उसका नेचर पढ़ेंगे बेटा। सो नेचर ऑफ लाइट हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? नेचर ऑफ लाइट, नेचर सॉरी बेटा, लाइट एग्जैक्टली पार्टिकल नेचर का है, या लाइट एग्जैक्टली वेव नेचर का है, या लाइट कुछ और है, यह हमारा अभी का डिस्कशन है। तो इस डिस्कशन के लिए हम लोगों को बेटा सबसे पहले अलग अलग सी थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि लाइट के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें कही थी, उसमें से सबसे पहले ये भाई साहब जो हमेशा कहीं ना कहीं पे आके टपक पड़ते हैं, कौन? न्यूटन। सो न्यूटन की एक थ्योरी थी जिसको कहते थे बेटा न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। तो ये थी बेटा न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी में देखो, न्यूटन ने कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया, और कुछ चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद में उसने क्या कहा कि लाइट जो है ना, तो जो जहां से सोर्स ऑफ लाइट है वहां से एक्चुअली कुछ अगर निकलता होगा तो लाइट क्या है, कुछ एक छोटे से टाइनी से पार्टिकल है। क्या है? टाइनी पार्टिकल है। सो लाइट क्या है बेटा? टाइनी पार्टिकल। उसी पार्टिकल को उसने क्या कहा बेटा? कॉर्पस्कल्स। क्या कहा? कॉर्पस्कल्स। इसलिए थ्योरी आई कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो उसका कहना था कि अगर लाइट जा रही है, मतलब एग्जैक्टली क्या जा रहा है, बहुत 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 छोटे पार्टिकल जा रहे हैं, कितने? टाइनी पार्टिकल। सो टाइनी पार्टिकल जाते हैं, अगर लाइट जा रही है मतलब टाइनी पार्टिकल जा रहे हैं, ऐसा किसने कहा? न्यूटन। उसका ये पहला एजम्पशन था बेटा। अब फिर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को उसने बताने के लिए उसने क्या किया, उसने एक और चीज को बताया कि जब लाइट का रे आ रहा है, जैसे आप लोगों एक बाउंसिंग बॉल होता है देखो छोटा सा, अगर आप उसको फेंकते हो दीवार पे, इधर जाके ऐसे बहुत बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन देता है वो, तो उसका क्या कहना था बेटा, ये जो पार्टिकल्स है दे आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर, वो इलास्टिक है, वो मासलेस है, उनका मास निग्लिजिबल है, वेटलेस है, वेटलेस है, और रिजिड है, ऐसा उसने कहा। मासलेस तो नहीं कह सकते बेटा, मासलेस की जगह पे हम लोग वेटलेस कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि मास तो होगा लेकिन बहुत कम होगा, तो मासलेस कहना गलत होगा। तो चलो अब है बेटा तीसरी चीज, कि तीसरा वो क्या कहता था, अभी देखो क्योंकि वो इलास्टिक है, क्योंकि वो रिजिड है, तो वो उनका शेप साइज चेंज नहीं होगा, जब वो जाके टकराएंगे तो टकराने के बाद में वो इलास्टिक है, परफेक्ट इलास्टिक नेचर के होने की वजह से बाउंस बैक भी करेंगे, ये सारी चीजें उसने बताई। अब जो स्पीड होती है, उसने क्या कहा, इन पार्टिकल्स की जो स्पीड है, तो ये स्पीड जो है ना ये डिफरेंट है डिफरेंट मीडियम में, इट्स डिफरेंट, स्पीड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, ये भी कहा इसने। सो लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग से मीडियम में अलग अलग सी है, ये उसने कहा था। ओके बेटा, चौथा उसने क्या कहा था कि अगर वो पार्टिकल जो है जो लाइट से निकले वो आपके आंखों में घुसेंगे, रेटिना के ऊपर गिरेंगे, तब जाके आपको सेंसेशन ऑफ विजन होगा। तो वो क्या कह रहा है, देयर इज अ सेंसेशन ऑफ विजन, कब? जब ये पार्टिकल्स क्या होंगे बेटा, ये आके टकराएंगे। सो व्हेन द पार्टिकल्स या कॉर्पस्कल्स कोलाइड या टकराएंगे, कोलाइड ऑन
रेटिना ऑफ द आई। तो आंखों के ऊपर ये रेटिना के ऊपर जब जाके गिरेंगे तब हमें सेंसेशन ऑफ विजन होगी, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है बेटा, चलो ये भी हो गया। और सबसे लास्ट वाला एक एजम्पशन था जो कलर के बारे में बताता था कि डिफरेंट कलर जो थे ना बेटा, लाइट के अलग अलग से कलर है ना, येलो लाइट दिखती है, ब्लू लाइट दिखती है, रेड दिखती है, ये सारी की सारी डिफरेंट कलर जो होते वो डिफरेंट साइजेस ऑफ द पार्टिकल की वजह से, ऐसा उसने कहा था। सो पार्टिकल की डिफरेंट साइजेस है और डिफरेंट उसके वजह से कलर होंगे, ये किसने कहा था बेटा? न्यूटन ने। किसी ने कहा और आपने मान लिया क्योंकि वो सिर्फ बड़ा इंसान है, जो कहने वाला है वो बड़ा इंसान है। तो कई बार आप लोग वो काम नहीं कर पाते बेटा कि जो सही है, बड़ा इंसान भी गलत हो सकता है, जैसे कि न्यूटन भी थे। न्यूटन भाई साहब भी गलत थे, बिल्कुल गलत थे। इनकी थ्योरी जो थी ये कई सारे ड्रॉबैक्स के साथ में थी बेटा, कई सारे ड्रॉबैक्स के साथ। और इसलिए फिर हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ड्रॉबैक्स, कि उन्होंने कुछ चीजों को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए और सही ढंग से तो बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए मैं अभी उनके ड्रॉबैक्स भी यहीं पे लेता हूं, इसी बोर्ड पे लेता हूं। ठीक है, चलो इसको यहां पे रख देंगे, बाद में देखेंगे। चलिए बेटा, सो अभी हम लोगों को क्या देखने का है, न्यूटन के जो थ्योरी है उसके ड्रॉबैक्स। सबसे पहला ड्रॉबैक देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज को ढंग से समझना जरूरी। सिर्फ न्यूटन ने कहा था इसलिए मान लो, क्योंकि न्यूटन ने जो पहले लॉज ऑफ मोशन दिए थे तो वो करेक्ट है, तो इसलिए उनकी थ्योरी भी जो रहेगी किसकी, लाइट की, वो भी करेक्ट होगी, ऐसा। इसको तो अंधश्रद्धा कहते हैं ना बेटा, यही तो अंधश्रद्धा है कि कोई बड़ा इंसान कह रहा है और वो सही है, यही मान के चलना, यही तो अंधश्रद्धा है। और यही तो साइंस की खासियत है कि वो किसी भी श्रद्धा के साथ में नहीं चलता है। अगर कोई बड़ा इंसान हो, छोटा इंसान हो, कोई भी हो, उसकी चीजों को परखा जाता है, यहाँ पे हर एक चीज को परखा जाता है। तो सबसे पहले देखो कि उसकी थ्योरी कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जैसे कि पार्शियल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ड्रॉबैक्स थे, कि वो पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, पहली चीज। दूसरी चीज, लाइट का इंटरफेरेंस कैसे होता है, पोलराइजेशन कैसे होता है, डिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये चीजों को भी वो बता नहीं पा रहे थे। सो कुड नॉट एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। सो लाइट का इंटरफेरेंस कैसे होता है, पोलराइजेशन कैसे होता है, डिफ्रैक्शन कैसे होता है, इन चीजों को भी वो बता नहीं पा रहे थे। ये हो गया दूसरा ड्रॉबैक बेटा, कुड नॉट एक्सप्लेन दीज थिंग्स। ये छोड़ के और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि उसने क्या कहा था पता है, स्पीड ऑफ द लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन इन रेयरर मीडियम। तो उन्होंने क्या कहा, अगर मीडियम रेयरर है तो वहां पे स्पीड कम रहेगी और डेंसर मीडियम में ज्यादा रहेगी, जैसे कि साउंड के बारे में था। लेकिन ये थ्योरी जो थी ये बाद में गलत साबित की गई बाय द फोकॉल्ट। तो फोकॉल्ट ने उसको गलत बता दिया कि भाई साहब आप लोग सही नहीं बता रहे हो, आपने गलत बताया है इसके बारे में। और सबसे आखिर वाला एक ड्रॉबैक बताता हूं जो कि कनेक्टेड है विद द मास। देखो बेटा, आप खुद भी सोच सकते हो, मान के चलो अभी यहां पे एक ट्यूबलाइट है, यहां पे एक बल्ब है, समझ लो। ठीक है बेटा, जैसे अभी मैं आपको एक दिखाता हूं, ओके बेटा, ये लाइट है, चलो ये सोर्स ऑफ द लाइट है। ऐसे मान के चलते हैं इस लाइट का कुछ तो अपना मास होगा, है क्या? इसका क्या होगा बेटा, एक मास होगा। तो इस लाइट का जो अपना एक मास होगा बेटा, अब देखो ये जो मास है, अगर मान के चलो पार्टिकल जा रहे, मतलब कुछ तो मास जा रहा होगा, राइट? तो कुछ सालों के बाद में उस ट्यूबलाइट का मास कम हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसने क्या किया है बेटा, पार्टिकल्स को रिलीज किया है और वो पार्टिकल्स चले गए, वो तो छोटे छोटे से पार्टिकल, मतलब उसका कुछ तो मास होगा, बहुत कम होगा लेकिन होगा जरूर। तो कुछ दिनों के बाद में मास तो उसका कम हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि कोई भी लाइट का सोर्स या कोई भी चीज का मास कभी भी कम नहीं हुआ। इसका मतलब उसका पार्टिकल नेचर ये गलत साबित हो रहा सर, क्योंकि वो मास लेस नहीं हो रहा था, जैसे कि उसके थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर चलेंगे तो। ये होगी बेटा न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी। सही क्या था, गलत क्या था, ये हम लोगों को इसमें देखना नहीं है, सही क्या है इसके ओर जाने का। पहले फैक्ट्स के साथ में चलो कि उसने क्या बताया, उसके क्या ड्रॉबैक्स थे।
ऐसा नहीं है कि जिन्होंने ड्रॉबैक्स निकाले उनकी थ्योरी में ड्रॉबैक्स नहीं होंगे। न्यूटन के जिसने ड्रॉबैक निकाल के अपनी थ्योरी पुट की, उनके भी तो ड्रॉबैक्स निकल सकते हैं, याद रखना। इसलिए ऐसा नहीं है कि यहां पे हमेशा हर एक चीज सच्चाई के साथ में ही बाहर आएगी, जरूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए तो बेटा साइंटिस्ट लोग नई नई खोज क्यों कर पाते हैं, क्योंकि जो भी चीज आपको बताई गई है बेटा, उसमें एब्सोल्यूट ट्रूथ नाम की चीज जो है वो कभी भी साबित हो सकती है कि वो गलत है, क्योंकि आज हम लोग उसको एज्यूम करके चल रहे हैं, कल चल के वो गलत भी साबित हो सकती है। अब हम लोगों ने न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी देख ली, अब हम लोगों को देखने की है बेटा एक और थ्योरी, मैक्सवेल की ईएम वेव थ्योरी। क्या है? मैक्सवेल्स ईएम वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है। तो ये वेव्स के बारे में बताता है। तो मैक्सवेल जी ने क्या कहा था पता है? तो लाइट जो है ना, उसने कहा था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ऐसा उन्होंने कहा। क्यों कहा पता है? क्योंकि उन्होंने जब देखा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जब उन्होंने फाइंड आउट किया स्पीड ऑफ लाइट, दोनों लगभग सेम थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड उन्होंने देखी और स्पीड ऑफ द लाइट देखी, दोनों भी सेम थे। इसलिए उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि लाइट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि दोनों भी वेव की वेलोसिटी, या कहो दोनों भी वेव की स्पीड, ये कैसी थी बेटा? सेम थी। तो ये आपको उन्होंने बताया। एक और चीज उन्होंने बताई थी बेटा अगर ये ईएम वेव है तो ईएम वेव को किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। सो उन्होंने कहा कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए देर इज नो मटेरियल मीडियम बी नीडेड। इसका मतलब है लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एज वेल। तो समझ गया बेटा सॉरी, सो लाइट कहां पे ट्रेवल कर सकती बेटा? वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती, ये बता दिया मैक्सवेल की ईएम वेव थ्योरी ने। लेकिन क्या ये अकेली थ्योरी है? नहीं बेटा, बहुत सारी थ्योरीज है और भी आएंगे बेटा, हम लोग देखेंगे आगे। अब देखो नेक्स्ट वाली एक थ्योरी है जिसको हम लोग कहते हैं मैक्स प्लैंक्स थ्योरी। तो अभी देखते हैं बेटा, थ्योरी, और ये पता है आपको, इसको हम लोग एक्चुअली कहते हैं क्वांटम थ्योरी। क्या कहते हैं बेटा? क्वांटम थ्योरी। अब क्यों? अब ये ध्यान से सुनो, ये बहुत जरूरी चीज है बेटा कि क्वांटम थ्योरी क्या है वो समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि लाइट जो है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही, जो सोर्स से लेके आगे तक पहुंच रही है, तो वो लाइट एक एनर्जी के पॉकेट है। सो वो क्या कह रहे थे बेटा? लाइट इज नथिंग बट पॉकेट ऑफ एनर्जी। इसी पॉकेट ऑफ एनर्जी को उन्होंने नाम दिया गया, उसको कहते थे वो क्वांटा। क्या कहते थे बेटा? क्वांटा। इसलिए क्वांटम थ्योरी आई, ठीक है। सो हर एक क्वांटम जो है उनका क्या कहना था, देखो थोड़ा था ईच, अभी हर एक क्वांटम में, हर एक पॉकेट में एनर्जी। सो ईच क्वांटम हैज ए फोटोन, उसके अंदर क्या होता है बेटा? फोटोन। और फोटोन जो है उसके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी कितनी है? एच न्यू है। सो हर एक क्वांटम में, हर एक फोटोन में कितनी एनर्जी है? तो ई इज इक्वल टू एच न्यू। एच कौन है बेटा? प्लैंक्स का कांस्टेंट कहा जाता है इसको। इसको क्या कहा जाता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू वगैरह बाद में देखेंगे। और न्यू जो है बेटा, ये कौन है? ये है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो देखो बेटा, उन्होंने अब क्या कहा कि लाइट जो है वो एक क्वांटम है, वो एक पॉकेट है एनर्जी का, और जिसमें एनर्जी कितनी है? इज इक्वल टू एच न्यू। जहां पे एच है प्लैंक्स का कांस्टेंट, उसकी एक वैल्यू होगी और फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट होगी न्यू। तो ये कहा था मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। अब ये बेटा हो गया एक और थ्योरी। अब ये थ्योरीज आपको पार्टिकल नेचर वगैरह उस तक लेके जाती है, लेकिन अब यहां से आगे जाने के लिए हम लोगों को थोड़ी सी और भी थ्योरीज है कि जिनको देखना है, और वो थ्योरीज है बेटा हमारी वेव थ्योरीज। कौन सी थ्योरीज है? वेव थ्योरी, कि जो अभी हम लोग वेव के बारे में पढ़ेंगे कि वेव नेचर क्या बता रहे थे। सो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? वेव थ्योरी। आपको पता है वेव थ्योरी का सबसे अच्छा मॉडल किसने दिया था? हाइजन ने दिया था। किसने दिया था? हाइजन।
सो हाइजन ने उसको बेटा 1678 के आसपास में कुछ तो डेवलप किया था, और 1617 के मैं साल बताता हूँ, 1678, तो हाइजन ने उसको 1678 में डेवलप किया था, और बाद में इसको और ज्यादा डेवलप किया गया था, लेटर डेवलप्ड बाय इसी थ्योरी को, आप लोग आगे चल के देखोगे यंग, और आगे चल के एक और वर्ड आएगा आपको, या एक साइंटिस्ट का नाम आएगा वो है फ्रेजनल, दोनों का भी नाम आएगा आपको, तो इन्होंने उसको डेवलप किया। ठीक है, सबसे पहले तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या था बेटा कि लाइट जो है ना वो एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव है, ऐसा उन्होंने कहा। क्या है वो? एक वेव है, और कैसा वेव है? लॉन्जिट्यूडिनल वेव। बाद में समझ गया, लेटर डिस्कवर्ड दैट इट वॉज नॉट अ लॉन्जिट्यूडिनल बट इट वॉज अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, बात करेंगे बेटा ट्रांसवर्स क्या और लॉन्जिट्यूडिनल क्या। साउंड के वेव ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव है, मतलब वो जो पार्टिकल होते हैं ना, वाइब्रेशन होते हैं, जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रेवल करती उसी डायरेक्शन में जब पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं तब कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन क्रिएट होते हैं, उसको कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल वेव। लेकिन जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब वाइब्रेशन होते हैं ना पार्टिकल के, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ऐसा भी हो सकता है, देखो एनर्जी की ये डायरेक्शन है तो पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसा अप एंड डाउन हो सकता है, ऐसे आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये और पार्टिकल का वाइब्रेशन, मतलब एनर्जी का प्रोपगेशन और पार्टिकल का वाइब्रेशन, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, तब हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। एक्चुअली लाइट ये ट्रांसवर्स वेव है, ये बाद में समझा, लेकिन इनकी थ्योरी के हिसाब से क्या था बेटा, ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ठीक है, ड्रॉबैक कह सकते हो आप लोग, फिर से मैंने कहा ना, जिन्होंने ड्रॉबैक न्यूटन के ढूंढे उनमें कुछ ड्रॉबैक नहीं था, ऐसा थोड़ी ना होगा, सब में ड्रॉबैक निकल सकते हैं, कुछ थ्योरी परफेक्शन की ओर जा सकती है, लेकिन क्या पता कि आगे फ्यूचर में और 50-100 सालों के बाद में कुछ और नया सा इन्वेंट हो जाए और फिर बाद में समझा, अरे नहीं ये तो गलत था। इसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, इसके लिए कोई भी बेटा परफेक्शन नहीं बोल सकते हम लोग, इसलिए साइंस में हार्ड एंड फास्ट ट्रूथ एकदम करेक्ट होके रुक नहीं जाता, उसमें हमेशा डेवलपमेंट होते रहती है। चलो नेक्स्ट क्या कहता था, देखो इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंगली द सेकंड थिंग वाज दैट डिफरेंट कलर जो होते हैं ना, जैसे न्यूटन के हिसाब से अलग अलग से कलर किसकी वजह से थे, डिफरेंट साइजेस, तो इसके हिसाब से डिफरेंट वेवलेंथ्स के वजह से क्या होता बेटा, डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द वेव्स। ठीक है, तीसरा, अब सेंसेशन ऑफ विजन कब होगा बेटा, उधर पार्टिकल आंखों में जो एंटर कर रहे थे ना तो उसकी वजह से उधर होता, यहां पे कौन होगा, वेव्स की एंट्री की वजह से होगा जब रेटिना पे गिरेगा, तो जब वेव रेटिना पे गिरेंगे ना तब क्या होगा बेटा, सेंसेशन ऑफ विजन। और चौथा इसका पॉइंट क्या है, वो क्या कहता है बेटा इसकी थ्योरी का एक और कहो ड्रॉबैक कहो या कुछ भी कहो, बट इनकी थ्योरी में एक और चीज थी बेटा कि जो आपको समझनी पड़ेगी, और वो ये कहता है कि अगर मान के चलो कि लाइट के रे एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे तो वो कैसे कर रहे ये हमको पता है, लेकिन एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाओगे देर इज नो मटेरियल मीडियम प्रेजेंट, ना लिक्विड है ना गैस है ना कोई चीज है, तो ऐसे जगह पे सन से लेके हम तक कैसे पहुंचा लाइट का वेव, तो उन्होंने एक मीडियम को, सो उन्होंने क्या कहा, मीडियम की जरूरत है। सबसे पहले देखो मीडियम इज नेसेसरी, तो उन्होंने कहा कि नेसेसरी है मीडियम का। अब उन्होंने बाहर एक हाइपोथेटिकल मीडियम कंसिडर किया जहां पे लाइट के रे का कोई एग्जैक्ट मीडियम हम लोग बता नहीं पा रहे थे, वहां पे एक हाइपोथेटिकल मीडियम कंसिडर किया और उस मीडियम का नाम उन्होंने रखा था दैट वाज अ ईथर, दैट इज अ लुमिनीफेरस ईथर, लुमिनीफेरस ईथर कहते उसको। ये भी उनके एक थ्योरी का ड्रॉबैक था बेटा, क्योंकि ऐसा कोई भी मीडियम कहीं पे भी नहीं मिला जो उन्होंने हाइपोथेटिकली कंसीडर किया था। बाद में समझ गया कि वैक्यूम है ना, तो बस कोई मीडियम नहीं है, तो लाइट वैक्यूम में से भी ट्रेवल कर सकती है जैसे मैक्सवेल ने बताया था, वो थ्योरीज आपको करेक्ट करवा रही थी। लेकिन इनकी थ्योरी के हिसाब से बेटा कि एक कोई ना कोई लुमिनोफेरस मीडियम होगा जिसको हाइपोथेटिकल मीडियम कहा गया था, हाइपोथेटिकल मतलब मान के चले कि कोई तो मीडियम होगा, उसका नाम रखा गया था ईथर, दैट वॉज अ लुमिनीफेरस ईथर। ओके बेटा, अब ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी कुछ चीजों को समझाने के लिए एकदम सक्सेसफुल होगी बेटा। चलो इसके सक्सेस देखते हैं पहले, क्या देखते हैं इसके पहले सक्सेस, तो ये किस चीजों को सक्सेसफुली बता पाया उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले देखो बेटा बहुत जरूरी चीज, इसने इंटरफेरेंस के बारे में बता दिया कि इंटरफेरेंस कैसे होता है क्या होता है। दूसरी चीज, इसने डिफ्रैक्शन के बारे में भी बताया। ओके बेटा,
सो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बारे में डेफिनेटली उन्होंने बता दिया था एंड दैट वाज क्वाइट अ गुड जॉब. ओके बेटा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब ये तो बता ही रहे, लेकिन इन्होंने दूसरी एक चीज को करेक्ट करके बताया था बेटा कि स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इज ग्रेटर देन इन डेंसर मीडियम, जो कि आज भी करेक्ट है. तो ये उनकी थ्योरी के सक्सेस थे. अब ड्रॉबैक्स देखते हैं. चलो ड्रॉबैक्स क्या थे. सबसे पहला ड्रॉबैक ये है बेटा कि ये अभी भी पोलराइजेशन को नहीं समझा पाया. पोलराइजेशन को ये नहीं समझा पाया. तो पोलराइजेशन कैसे होता है इसकी थ्योरी, वेव थ्योरी नहीं समझा पाई, हाइजन की थ्योरी नहीं बता पाई. ठीक है बेटा. दूसरी चीज है बेटा कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कैसे होता है ना, ये इसको नहीं बता पाया. सो कुड नॉट एक्सप्लेन द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन. सो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन लाइट का सीधा जाना ये कैसे हो रहा है ये उसको समझा नहीं पा रहा था. और सबसे लास्ट में बेटा तीसरा, जो ईथर को माना गया था ना, सो देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए मीडियम, ये बाद में समझ गया था कि ये कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है. देर इज नथिंग कॉल्ड एज ईथर. ये उसके ड्रॉबैक्स थे बेटा. तो ये ड्रॉबैक्स समझ गए, इसके सक्सेस समझ गए. ठीक है बेटा, अब हम लोग इसके आगे जाके कुछ चीजों को पढ़ते हैं. फिर भी हाइजन की थ्योरी को हम लोग मानेंगे और फिर भी हम लोग हाइजन की थ्योरी के प्रिंसिपल्स को लेके चलेंगे, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स है हाइजन की थ्योरी. इसलिए हम लोग हाइजन की थ्योरी को ही कंटिन्यू करेंगे बेटा. ठीक है, सो लेट्स गो टू द हाइजन्स थ्योरी और उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो हमें देखने की है. सबसे पहले मैं आपको हाइजन के प्रिंसिपल की ओर लेके जाने से पहले मैं आपको हाइजन के प्रिंसिपल के लिए जो जरूरी है वो कॉन्सेप्ट दो है. दो कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको समझा दूं. उसमें से सबसे पहले बेटा एक कॉन्सेप्ट बेटा वेव फ्रंट. क्या है बेटा? वेव फ्रंट. तो ये वेव फ्रंट क्या होता है उसको समझने के लिए एक बेसिक सी डायग्राम है बेटा, मैं आपको बता दूं. वो डायग्राम ढंग से समझ लो. मान के चलो बेटा यहां पे है सोर्स ऑफ द लाइट. अब क्या होगा बेटा, लाइट की स्पीड होती है सी. सी से डिनोट करते हैं ना स्पीड ऑफ द लाइट, है ना, इन अ वैक्यूम और इन अ एयर. और समझो वो टाइम टी में कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो समझो टाइम टी गया इधर, वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा. टाइम टी चला गया, अगर आप लोग देखोगे ओके बेटा, यहां पे सोर्स है तो इन टाइम टी वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. इधर देखा गया तो भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. क्यों? क्योंकि कहीं पे भी जाओ लाइट की स्पीड सेम है. अगर टाइम सेम ले लिया तो फिर तो डेफिनेटली क्या होगा बेटा, उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा. तो इतना ही डिस्टेंस हर डायरेक्शन में कवर करेगा. तो ये हो जाएगा बेटा सी टी, दैट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड. कैसे बताता हूं. क्या है, ध्यान है क्या आपका? इधर देखो, नॉर्मली स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड लाइट की सी, ये टाइम इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, क्या निकलेगा बेटा, डिस्टेंस कवर्ड. अब देखो बेटा सी कांस्टेंट है, टाइम भी सेम लिया ले, तो इसका मतलब ये सारे के सारे डिस्टेंसेस सेम होंगे, तो वो रेडियस की तरह होंगे. अब ये जो बाहर वाला पॉइंट है ना, ये हर एक पॉइंट ये सबको अगर मैं कलेक्ट कर दू तो बन जाता है बेटा वेव फ्रंट. क्या बन जाता है? वेव फ्रंट. सो व्हाट इज इट? इट इज अ लोकस, ए लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स Present due to the source of the light. So in time, at particular instant, locus of all the point at any instant. ठीक है बेटा, किसी भी एक instant पे. और आपको पता है ये जो locus होता है ये यहां 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 कहीं पे भी इनको सबको जोड़ के एक circle बन गया, तो that point, that locus is nothing but the wave front. और आपको पता है एक खासियत होती है, all points on locus, या कहो इस wave front पे, on All points on the wave front, they are all in the same phase. वो सारे के सारे बेटा कैसे होते हैं? एक ही phase में होते हैं. इसका मतलब क्या? अगर यहां पे crest पहुंचा तो crest ही पहुंचेगा दूसरे का. मतलब बताता हूं, phase नहीं समझ में आता कई सारे लोगों को, तो बताता हूं. देखो बेटा ये wave की तरह होता है, right? अब देखो इसको क्या कहते हैं बेटा? Crest. इसको क्या कहते हैं बेटा? Trough. ये भी crest, ये भी trough. अब अगर एक का यहां पे क्रेस्ट पहुंचा
तो दूसरे का भी क्रेस्ट ही पहुंचेगा। इसका मतलब वो कौन है, सेम फेज में, एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ, ये आउट ऑफ द फेज होता है। तो ऐसा नहीं होगा, यहां पे एक ही फेज में ये पहुंचेंगे, ये वो थ्योरी बताती है। सबसे पहले क्लियर आपको वेव फ्रंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज याद रखो कि वेव फ्रंट के बाद में एक और चीज क्रिएट हो जाती है और उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, वेव नॉर्मल। व्हाट इज अ वेव नॉर्मल, लेट्स सी। सो व्हाट इज अ वेव नॉर्मल, एकदम आसान चीज है बेटा, इट इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा, वेव नॉर्मल। जैसे कि एक एग्जांपल बता दो, समझो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, लाइट के रेज निकल रहे तो ऐसे जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, हर डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो किसी भी इंस्टेंट में मैं देखूंगा, एक सर्कल बना लूंगा, तो ये क्या रहेगा बेटा, वेव फ्रंट। ये कौन रहेगा बेटा, वेव फ्रंट। अब बेटा देखो, ये लोकस है, ये लोकस है, ये सारे ऐसे कितने भी कितने क्या हो सकते हैं, वेव फ्रंट्स हो सकते हैं। तो ये वेव फ्रंट बेटा, ये कौन है, दिस आर द वेव फ्रंट्स, ओके। अब उसको ये परपेंडिकुलर, देखो ये इधर परपेंडिकुलर, इधर परपेंडिकुलर, तो ये कौन हो गया बेटा, ये हो गया बेटा वेव नॉर्मल, ये हो गया वेव नॉर्मल। समझ गया, वो जो परपेंडिकुलर है टू द वेव फ्रंट उसको क्या कहते हैं बेटा, वेव नॉर्मल। समझ गए, क्लियर है आपको ये, आगे बढ़े फिर। चलिए मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, बस आपका ध्यान की जरूरत है यहां पे, क्योंकि अभी हम लोग देखने वाले हाइजेंस का प्रिंसिपल, जो कि इसी के बारे में बात करता है बेटा। सो लेट अस सी हाइजेंस प्रिंसिपल। तो हाइजेंस का प्रिंसिपल क्या कहता है मेरे दोस्तों, ध्यान है क्या आपका, नहीं है तो इधर लाओ, ध्यान लाओ पूरा। सबसे पहले देखो कि वो क्या कहता है, जहां से सोर्स निकला वहां से थोड़ा सा आगे जाते ही क्या होगा बेटा, एक वेव फ्रंट क्रिएट हो जाता है कि नहीं। अब वेव फ्रंट जो होता है ना, वो हर एक वेव फ्रंट एक लाइट के नए सोर्स की तरह एक्ट करते रहता है। ये है सबसे पहला उसका क्या बेटा, प्रिंसिपल। सो एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, सो एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट acts as new source of light। सबसे पहले देखो कि वो के नए सोर्स की तरह एक्ट करते रहता है। तो देखो बेटा, यहां से गए, अब इधर गई लाइट, इधर गई लाइट, इधर गई लाइट, इधर गई लाइट, इधर भी गई, जो भी है, अब यहां पे हो गया बेटा एक वेव फ्रंट, ओके। अब ये जो है इस वेव फ्रंट पे, देखो मैं फिर से एक बार बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा यहां पे, बहुत जरूरी है इसको समझना। अब ये जो वेव फ्रंट है, इसका हर एक पॉइंट, समझो इधर वाला पॉइंट, ये हर एक डायरेक्शन में क्या कर देता है बेटा, नए से वेव्स रिलीज कर देता है। ये भी वैसे ही करेगा, ये भी इधर तैयार करेगा, हर एक पॉइंट क्या करेगा बेटा, एक नया सा वेव फ्रंट क्रिएट करने की कोशिश करेगा, कुछ इस तरीके से। फिर वापस से इसका लोगे तो एक और, फिर वापस से यहां से भी हर एक पॉइंट पे, फिर इधर 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 इधर, फिर ऐसे हर एक डायरेक्शन में लाइट का वेव जाएगा। ऐसी थ्योरी को मान्यता क्यों मिली, समझ लो वजह। अगर लाइट का रे सिंपली, अगर जैसे मान के चलो कि यहां पे सन या कुछ भी एक सोर्स है, सोर्स ऑफ द लाइट, अगर यहां पे बहुत दूरी पे समझो एक बंदा है, अगर सन के रेज ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उनका डिस्टेंस बढ़ रहा है बेटा, एक पॉइंट आ जाएगा कि जिसमें बीच में गैप है, तो गैप है तो वहां पर लाइट नहीं होनी चाहिए। और अगर लाइट में गैप आ गया, तो ये बंदा अगर गैप में आ गया, सन सामने दिख रहा है फिर भी ये अंधेरे में रहेगा, क्योंकि लाइट गिरी नहीं रही, क्योंकि वो तो जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे सन से जितना जितना दूर जा रहे हैं, तो रे ऐसे ऐसे जाएंगे सीधा, फिर तो एक गैप क्रिएट हो जाएगा। अब बच्चों याद रखना कि ये गैप अगर होता तो क्या हमारी बॉडी के ऊपर, हर एक पार्ट के ऊपर लाइट गिरती क्या, नहीं। लेकिन हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है कि जो नहीं दिखता, या कोई भी जो ऑब्जेक्ट हमारे आसपास में है जो कैसे नहीं दिखेगा, वो हर एक पॉइंट दिखता है, क्योंकि लाइट हर एक पॉइंट तक पहुंच रहा है। और इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि हर एक वेव फ्रंट एक नए से क्या क्रिएट करता है बेटा, वेवलेट्स क्रिएट करता है। ये जो है ना, ये वेव फ्रंट्स है, तो ये वेव्स हो गए। अब वेव्स जो क्रिएट कर रहा है, ये जो है ना बेटा, ये वेव फ्रंट्स है, और वेव फ्रंट्स को क्या क्रिएट होते हैं और नए से वेव फ्रंट्स के लिए, तो वो उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसको हम लोग कहते हैं वेवलेट्स। अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा, तो दूसरा उसका प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, न्यू वेवलेट जो होते हैं, तो न्यू वेवलेट्स
दे आर मोर एक्टिव या मोर इफेक्टिव होते हैं, दे आर मोर इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। क्या हम लोगों को यहां से ये पीछे आते दिखे क्या? नहीं। तो वो कहां ज्यादा एक्टिव है? फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपगेट कर रही ना, दैट इज अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो उसी डायरेक्शन में वो हमेशा क्या होते बेटा, ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये कहता है दूसरा। अब सबसे आखिर वाला, सबसे लास्ट वाला, इसका क्या कहेंगे बेटा हम लोग, इसको कहेंगे इसका प्रिंसिपल क्या कहता है। तो देखो, अगर मुझे नया सा वेव फ्रंट बनाने का, तो मैं क्या करूंगा? तो देखो, जो वेव फ्रंट होता है एट एनी इंस्टेंट, वो कैसे निकाले हम लोग? तो किसी भी इंस्टेंट पे, ये टाइम पे निकालने का, तो यहां से एक टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट 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 टेंजेंट। जैसे आप टेंजेंट बनाओगे, सो ड्रॉइंग द टेंजेंट एट दैट इंस्टेंट। तो आप एक काम करो, जैसे अभी समझो, मान के चलो कि मैं यहां से निकला, तो यहां से लाइट के रे निकल रहे, तो क्या करेंगे बेटा? वेव फ्रंट अभी अगर हम लोगों को देखो, ऐसा अगर मान के चलो कि अभी इससे एक और नया निकला, अब यहां से एक और वेव फ्रंट हो गया, इसको टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, सब टेंजेंट आपको क्या देगी? नया सा वेव फ्रंट। सो न्यू वेव फ्रंट किसी भी टाइम पे अगर आपको देखने का है, तो वो बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट एट दैट इंस्टेंट होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है आपको? ठीक है, चलो। दो टाइप के वेव फ्रंट्स क्रिएट होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। हाइजन का प्रिंसिपल समझ गए? हाइजन के प्रिंसिपल को समझने के बाद में हम लोगों को क्या देखने का है बच्चों? हमें देखना है दो टाइप के वेव फ्रंट। सो वेव फ्रंट्स में दो टाइप है बेटा, कौन कौन से? सबसे पहला है बेटा स्फेरिकल वेव फ्रंट। कौन? स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। अब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट कौन है बताता हूं। ये वेव फ्रंट देखो तो बच्चों कैसा है, स्फेरिकल है कि नहीं? शेप में यह था बेटा स्फेरिकल। जितना आप लोग सोर्स के क्लोज में रहोगे, तो उतना वेव फ्रंट मोर स्फेरिकल रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, देखो बेटा ये गैप जो है ना, ये देखो, ये सीधी सीधी लाइन होते चल रहा है। देखो जितना आप आगे जाओगे ना, देखो मैं निकाल के दिखाता हूं चाहे तो कुछ। अब देखो बेटा, यहां पे मैं बनाऊंगा एक सर्कल बनेगा, यहां पे भी बनाऊंगा एक सर्कल बनेगा, यहां से भी एक सर्कल, यहां से भी एक सर्कल, यहां से भी एक सर्कल। अब मुझे बताओ बेटा, ये मोर कर्वी दिख रहा है कि ये मोर कर्वी? देखो बेटा, इसका कर बहुत शार्प है, लेकिन जैसे जैसे आगे जा रहे हो ना, दैट इज बिकमिंग अ फ्लैट लाइन। ये देखो, ये ऐसे फ्लैट लाइन की तरह होते चल रहे हैं। तो जितना आप सोर्स से दूर जाओगे, वो जो वेव फ्रंट बनेंगे ना, दे आर नो मोर स्फेरिकल ना, दे विल बी लाइक अ प्लेन वेव फ्रंट। और इसलिए फिर दो टाइप हो जाते हैं। देखो ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये समझने के लिए ठीक था बेटा। तो दूसरा वेव फ्रंट जो होता है ना बेटा, वो कैसे होता है? प्लेन वेव फ्रंट होता है। जैसे कि सन से यहां पे आने वाले, अगर लाइट को मैं कहूंगा सन से यहां पे आने वाली लाइट, ये प्लेन वेव फ्रंट रहेगी या स्फेरिकल? तो वो रहेगी बेटा प्लेन वेव फ्रंट। क्यों? क्योंकि सन का डिस्टेंस यहां से थोड़ा नहीं है, 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है, 15 करोड़ किलोमीटर। अब 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस, ये कोई छोटा डिस्टेंस है क्या? नहीं। तब तक तो आते आते उसके वेव फ्रंट ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए होंगे। जैसे कि ये वेव नॉर्मल है, वो ऐसे हो जाते बच्चों। देखो बच्चों, ये कौन है? ये सारे के सारे जो है ना, ये है बेटा वेव फ्रंट्स। लेकिन ये कैसे दिख रहे? फ्लैट। और ये बेटा कौन है? ये है आपके वेव नॉर्मल्स, जो कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये प्लेन वेव फ्रंट है, और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो बनता है ना, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, तो शॉर्ट डिस्टेंस पे नॉर्मली आप लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट देखोगे, जिनमें कर्व दिखेगा। देखो इधर कर्व दिख रहा है, इधर कर्व दिख रहा है, इधर कर्व दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे आगे जाओगे ना, कर्व बहुत हल्का हल्का सा होते चलेगा, और एक टाइम आ जाएगा कि जब भी वो लगभग सेम लाइन होगी। एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन कभी नहीं हो सकता, बट ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है। तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होने की वजह से उसको हम लोग क्या कर देते हैं बेटा? प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। सो ये कब होता है बेटा? जब डिस्टेंस लॉन्गर होता है। ठीक है, सो फॉर द लॉन्गर डिस्टेंसेस द मोस्टली द वेव फ्रंट्स आर द प्लेन वेव फ्रंट्स। रिफ्लेक्शन
रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सर्फेसेस, ये हम लोगों को देखने का है और उसको प्रूव भी करने का है, लेकिन अगले लेक्चर में। अभी के लेक्चर में हम लोग बेटा इसको यहीं रुक जाएंगे और फिर आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं होपफुल हूं कि आप लोग बुक में से बेसिक थियरीज को पढ़ के आओगे, वेव फ्रंट क्या है, वेव नॉर्मल क्या है, उसके बाद में सीटी वेलोसिटी कैसे, उसका डिस्टेंस कैसे आ गया वो पता होना चाहिए। मैंने बताया था कि जैसे फोटोन में एनर्जी है, तो एनर्जी कितनी बेटा बताया था हम लोगों ने, इज इक्वल टू एच न्यू, वो एच की वैल्यू कितनी है, न्यू क्या है, ये सारी चीजें आप लोग एक बार रिवाइज करके आ जाओ। कल हम लोग अगले लेक्चर में फिर से एक बार वेव थ्योरी के साथ में जाएंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों के साथ प्रूफ करेंगे बेटा, ठीक है? चलिएगा फिर, होपफुली आप लोग कल फिर से एक बार आ जाएंगे। बाय एवरीवन, सी यू ऑल।